ये न्यूज के प्रायोजक हैं proskillhub.com। अब अच्छी नौकरी पाव भाषा आईटी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा जॉन टावर रीवा। खबर मध्य प्रदेश के विंध्य के राजधानी मानी जाने वाली रीवा से है और यह खबर जितने बड़ी है उतने जागरूक करती है। बता दें कि रीवा मा एटीएम बूथ में अगर अपना जाय रहन है ते अपना थोका सजग रही काहे से कि हो सकत है कि अपना के मदद के बहाने लोगन के द्वारा अपना का ठगी के शिकार बनाए दिन जाए और अपना के खून पसीना के कमाई लूट ली जाए। बता दें कि एक ऐसने मामला सामने आबा है रीवा के मऊगंज थाना क्षेत्र से, जहां एक बुजुर्ग एटीएम में पहुंचे और पिन जनरेट करे के बहाने मदद के नाम पर बता दें कि बड़ी धोखाधड़ी बुजुर्ग के साथ कीन गए और बुजुर्ग के खून पसीना के कमाई लेके फरार हो गए। तो विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल महा पूजा अपना पंचे सवजनिन का प्रणाम कही थे शुरू कही थे बड़ी खबर से। बता दें कि रीवा में आए दिन आपराधिक गतिविधि में इजाफा हो रहा है, खासतौर में लूट जैसे मामलन में बढ़ोतरी हो रहा ही। बता दें कि दरकीपुन के एटीएम में मदद करे के बहाने बता दें कि बूथ के बाहर खड़े युवक के द्वारा जो है लूट का अंजाम दे दिन का। मऊगंज में बुजुर्ग के साथ बता दें कि यह मामला सौहे आबा है, जहां एटीएम कार्ड बदल के बदमाशन के द्वारा करीब 23,000 रुपया पार कर दिन गए। पीड़ित के द्वारा ठगी के बाद शिकायत जो है मऊगंज थाने में दर्ज करवाई गई है, जिसके बाद पुलिस के द्वारा बदमाशन के तलाश शुरू कर दी गई है। बतावा जात है कि अक्सर बदमाश मासूम लोगन का निशाना बनावा था, जो ठीक ढंग से एटीएम के इस्तेमाल करब नहीं जाना या फिर जो बुजुर्ग हो था ऐसने में पहले से घात लगाए के एटीएम बूथ के आसपास खड़े रहा था और फिर मदद के नाम पर ठगी के वारदात का अंजाम दे थमा। ठगी के शिकार होने वाला व्यक्ति मऊगंज थाना क्षेत्र के रामपुर के रहने वाले अब्दुल हकीम बताए जा थमा, जे कोनो काम के खातिर मऊगंज के रहे और दौरान गंगा वाटिका के SBI ATM में पहुंचे। बूथ के पास घात लगाए के खड़े बदमाश के द्वारा बुजुर्ग के मदद के बहाना जो है ठगी के अंजाम देगा। बुजुर्ग के द्वारा बता दें कि पैसा निकाले में बुजुर्ग का समस्या आबत रही और एक कारण बुजुर्ग व्यक्ति के मदद के बहाने बता दी कि हाथ आगे बढ़ाए कि एटीएम पिन जनरेट करे के बात कही गए। एटीएम पिन जनरेट करे के बाद बदमाश के द्वारा चुपके से बुजुर्ग के एटीएम का बदल दीन गा। बता दें कि बुजुर्ग के एटीएम के जगह बदमाश के द्वारा अपन एटीएम दे दीन गा और यमेर से बता दी कि बुजुर्ग के साथ ठगी कर दीन गए। वह ठगी के मामला के जानकारी लगता है बुजुर्ग के द्वारा SBI बैंक में पता कीनगा तो पता चला के खाता से 23,000 रुपया गायब हो चुके हैं, जिसके बाद पीड़ित के द्वारा तुरंत एटीएम कार्ड का ब्लॉक करावागा और पूरे घटनाक्रम की जानकारी जो है मऊगंज थाना पुलिस का दीन गई है। पुलिस के द्वारा मामला पंजीबद्ध करके अब आरोपी के तलाश की जा रही है। मामले का लेके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोलगन के द्वारा बतावागा कि मऊगंज में एटीएम से पैसा निकाले जाए वाले एक व्यक्ति के साथ ठगी के मामला सामने आबा है। पुलिस के द्वारा मामले में जाँच पड़ताल की जा रही है, जो उन तथ्य सौहियाई के आधार पर कार्रवाई की जाए। बता दें कि बेहद सजग रहे की जरूरत ही भाई, काहे से कि ज्यादातर देखे के मिलल रहा भाई कि मदद के बहाने जो उन्हें ठगी की जा रही भाई, और ऐसे में अगर अपना एटीएम जाए रहे हैं या अपने ऑनलाइन माध्यम से कोनो पैसा के लेन देन कह रहे हैं तो ओकर पूरी जानकारी अपना जुटा ले, जैसे अपना केहू के मदद ले के जरूरत ना पड़े। काहे से कि मदद के नाम पर हो सकत है कि अपना के पूरा खाता साफ हो जाए और जब तक अपना का पता चले पूरी ठगी के तब तक देर हो चुकी रहे। हालांकि देखे वाली बात यह हुई कि पुलिस के द्वारा ये पूरे घटनाक्रम के खुलासा कब तक की जाते है और आरोपी का कब गिरफ्तार की जाते है। तब तक सजग रही, सतर्क रही, रखिए आपन और अपने परिवार के बहुत ख्याल दे। इजाजत, प्रणाम। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, इन सभी में रोजगार की अपार संभावना है। कल्पना और तकनीक का अद्भुत मेल एरिना एनिमेशन अब सतना में। यहाँ है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्नत कंप्यूटर लैब और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का साथ। ग्राफिक्स डिजाइनिंग, 2D एंड 3D एनिमेशन और VFX की अनूठी राह खोल देगी सफलता के नए द्वार, संभावनाओं का असीमित आकाश। एरिना एनिमेशन, एरिना है तो जॉब है।